वो जो कहते हैं ना कि अगर रास्ता अच्छा हो तो सफ़र कट ही जाता है। जी हाँ, तो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ दास्तान, वो दास्तान जिसकी शुरुआत होती है कराची से और अख्ताम होता है नारान से। जी हाँ, तो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कराची से नारान तक की एक हसीन दास्तान। शाम ढलने वाली थी और हम अपनी मंजिल को पहुंचने वाले थे और अंदर की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी कि आगे आने वाले मनाजिर किस तरह के होंगे, और उन हसीन मनाजिरों को देखने के लिए दिल नहायत ही बेचैन था। शहर की गहमा गहमी को छोड़ के हम हसीन वादियों की तरफ गामजन थे, और ये सफ़र इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकता।
तो गाइस हम लोग फाइनली बालाकोट की हसीन वादियों में दाखिल हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सफ़र हो और पेट पूजा ना हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी देर का क़याम बहुत ज़रूरी था, तो हम एक रेस्टोरेंट में रुके, थोड़ा नाश्ता किया, रिफ़्रेश हुए और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। खैर, ये रेस्टोरेंट का जो मंज़र था वो बहुत हसीन और ख़ूबसूरत था। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ देखने का मुझे कभी भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ के हसीन मनाजिर देखे, हसीन वादियाँ देखी, और जब मैं नारान के रास्ते में रवा दवा था, तो मेरी राय जो थी यहाँ के हवाले से बिल्कुल ही चेंज हो गई। तो ये वो वक्त था जब मैं कहने लगा अपने आप से मैंने ये सवाल किया कि इन वादियों में मुझे दोबारा फिर से आना है। फाइनली वी हैव रीच्ड नारान, और नारान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा बहुत रेनाउड टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे लोग अक्सर व बेशतर जो है घूमने के लिए आते हैं और अच्छा टाइम एंजॉय करते हैं यहाँ पर। अच्छा हुआ है कि एक तो बर्फ़बारी नहीं है, और दूसरी बात ये कि बर्फ़ और ठंडी नॉर्मल है, जिसकी वजह से अभी मौसम काफ़ी बेहतर है। तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा हुआ भी है, तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है। और देर आर रियली ह्यूज माउंटेंस, यू कैन सी। सो गाइस, इट्स द मोस्ट, और लोग यहाँ पर आते हैं, और ये सितंबर के महीने में तो खैर अभी काफ़ी अच्छा मौसम है, और बर्फ़ भी नहीं है फिलहाल। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और अभी यहाँ मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ है। टेम्परेचर आई थिंक कोई 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड है, थोड़ी बहुत धूप है, लेकिन ये कि मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है ये। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको हिस्ट्री से आगाह करते हैं इसकी, और मज़ीद इसकी प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं, और आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और फाइनली हम लोग पाकिस्तान के जो बिगेस्ट हेरिटेज है जीत सैफ अल मुल्क पे मौजूद है, आप देख सकते हैं इसका नज़ारा। और आप ये भी देख सकते हैं कि थोड़ी सी खुनकी भी है, ठंडक भी है,
ऑब्वियसली सी बात है कि ऊपर की तरफ है तो ठंडक तो है यहाँ पे, लेकिन ये कि बहुत पुरसकून और बहुत अच्छा माहौल है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त व्यू, कितना क्लास व्यू है माशाल्लाह। छोटा बड़ा क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं भाई, फिर हो तो बताओ, फिर उसमें बच्चा इसी का वाली छोटा वाला पी लेते हैं। बेसिकली ये जो है एक नेचुरल हेरिटेज है पाकिस्तान का, जीन सैफुल मलूक, और काफ़ी ठंड भी है यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि काफ़ी ठंड का माहौल है यहाँ पे झील की वजह से। रियली एन एनॉर्मस व्यू, बहुत ज़बरदस्त व्यू है और रियली अ ट्रीट टू वॉच। और आपको कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पे, टाइम स्पेंड करें। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त नारायण की मेन मार्केट में हूँ, जहाँ पे रिजॉर्ट्स भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं और काफ़ी सारे जो है वो होटल्स भी हैं यहाँ पे। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने अपर नॉर्दर्न एरिया में जो है वो इस वक्त भी जो है वो इतनी गहमा गहमी होगी कि इतने टूरिस्ट आए हुए हैं और जो है वो बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। हर तरह की शॉप्स भी आपको नज़र आएंगी यहाँ पे, एम्ब्रॉयडरी की शॉप्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं और इसमें जनरल स्टोर्स हैं और बहुत सारे मल्टीपल किस्म की यहाँ पे शॉप्स और वैरायटी है। और इट्स अ ट्रीट टू वॉच, आप बिल्कुल आइए अपने फैमिली के साथ और अच्छा टाइम एंजॉय कीजिए।